मन तो करता है इधर ही बैठ जाए बस अब घर जाने का नाम ना ले, यहीं पे बैठ बैठो, कोई नहीं बैठो यार आराम से, यहीं बैठ जाए आराम से, पापा को भी आनंद आ गया। हाँ आनंद भी आ गया, जगह ही वैसी है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। लुकिंग डैशिंग एज यूजुअल है, क्या पर्सनालिटी, द शर्ट इज लुकिंग वेरी एलिगेंट ऑन यू। Yes, I am myself elegant. That's true. Good afternoon, guys. Welcome back to another vlog. Amazing, मज़ा आ रहा है parents के साथ time spend करने में। आज Tuesday थी तो मम्मी ने कहा यार कुछ थोड़ा यहाँ पे around temples होंगे जहाँ हम जा सकते हैं। मैंने कहा हमारे घर के पास बहुत बड़ा ISKCON temple है, तो वी थॉट कि आज एक छोटी सी विजिट करते हैं ISKCON टेम्पल। आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पहले भी देखा हुआ है हमारे साथ ISKCON, तो आज मम्मी पापा को भी दिखाते हैं कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का ISKCON टेम्पल। तो चलिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। दे फिनिश द अर्थ ऑलरेडी और या इट्स जस्ट बीन एक्चुअली। कैच इट मॉकलेवा। इट्स फॉर यू मम्मी। ओह थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके। ये जो ISKCON टेम्पल है ना, ये 1972 में है। बेसिकली आपको जॉर्ज हैरिसन पता है ना? हाँ। वो जो म्यूजिशियन है उसने खरीदा एक्चुअली ये। अच्छा। हाँ, डोनेटेड टू ISKCON। सिल्विया हैज बीन हियर बिफोर, सो आई बीन हियर सो मेनी टाइम्स, शी नोज एवरीथिंग। सिल्विया यहाँ के ईंट ईंट से वाकिफ है। And I can't wait to go and feed animals. Yeah. I'm always so scared of them, but it's, I don't know, it's so good. It's a good feeling, isn't it? It's a good feeling. पापा सीधा प्रसाद के पास चले गए, थोड़ा घूम लेते हैं पहले, आ जाओ पहले थोड़ा प्रॉपर्टी देख लीजिए। सिल्विया एंड पापा आर लाइक वेरी सिमिलर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज यू नो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, बट समबडी हु इज कमिंग टू लंदन, डू मेक श्योर कि ISKCON टेम्पल ज़रूर आना, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। इनका हमेशा एम्फेसिस रहता है ना फार्मिंग पे, और इसमें गार्डन्स तो हर जगह ही, हमने पोलैंड में भी देखा, वहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल था। ISKCON है? हाँ हाँ। आपने व्लॉग्स ही नहीं देखे लग रहा है मम्मी मेरे। देखे तो हैं। अपने घर वाले ही हमारे व्लॉग्स नहीं देखते बताओ। देखा है, मैंने देखा है। पोलैंड में जो था ना वहाँ पे भी, अभी वो एक्चुअली प्रोसेस हो रहा था, वो अभी उन्होंने बनाया नहीं था पूरा, बट वहाँ पे भी बहुत बड़ा फार्म बनाने वाले हैं। So nice today when there are not many. Yeah, when it's not that crowded, then but I think it's crowd ka bhi apna maza hai because they chant, you know. Then I mean, both of them got you know each beauty because you also when you are surrounded by people, you also get that power and vibration from people. Exactly. Yeah. But when you are by yourself, you can also get that you know power, peace, vibration, yeah, peace from the place, yeah, and the surroundings. That's true. As an entomologist, this is like heaven for Papa. प्लांट्स और इस सब के बीच में बहुत मज़ा आता है इनको। हमारा कश्मीर का जो सुंदरता है हर एक गार्डन की, निशात ले लो, ये चश्मशाही ले लो, हर एक गार्डन वहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। आपकी जब नई नई शादी हुई उससे पहले, जब शादी से पहले आप लोग जाते थे क्या गार्डन और डेट वेट पे? शादी से पहले भी जाते थे, मोस्टली वी यूज्ड टू गो। अच्छा। हाँ जाते थे, शादी के बाद भी बहुत बार जब भी टाइम मिला तो चले जाते थे, बिकॉज वर्किंग थे तो टाइम नहीं मिलता था, बट इवन देन वी एंजॉयड अ लॉट। मतलब आप लोग जैसे कश्मीर में डेटिंग कहाँ करते थे, जैसे किसी को डिनर विनर ऐसे यही जगह पर? यही जगह, डल लेक, डल लेक, वहीं जाते थे। Ducks are very well behaved. You know, they are not attacking anyone, not running after anyone. When there is so much peace around, I think that kind of, you know, also they have no reason to attack. Look how much grass they have, so they are just munching now. देख के ना ISKCON temple को ऐसे मन इतना खुश हो गया है जैसे थकान सारे खत्म। बहुत ही सुंदर और peaceful. चारों तरफ से हालांकि हैं लोग लेकिन सन्नाटा सा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, cool coolness. सिल्विया के चेहरे पे हंसी
This is potato and this is, I think, eggplant. Brinjal, brinjal. Yeah, eggplant, potato and dal, I think, probably. Oh, lovely. Oh, this is dokla. Gucci, if you're watching now, because Gucci loves dokla a lot, my brother. Is that mint chutney? This is dokla with mint chutney. I've never eaten dokla like this. I've never eaten dokla like this. Normally, how is it eaten? Just plain? Just, yeah, normally. This is, actually, this is not dokla. Many Gujaratis have told us that. And they like to call it dokla. But this is actually khaman. Because dokla is actually dry. Shayad. Aap log comment kar dijiye. Galat to nahi bol diya maine. Let me try. Oh, chutney is lovely. Mujhe to lagta hai ye khane aati sirf. I think you just come here to eat. Every time you come, the prasad is so good. And I think you can taste that people put so much love into cooking. Yeah, exactly. That it comes from good intentions, you know, not like you're forced to work. Exactly. It just comes from the heart. That's why you can taste it in the food. बस अब घर जाने का नाम ना ले यहीं पे बैठ बैठो कोई नहीं बैठो यार आराम से यहीं बैठ जाए आराम से पापा को भी आनंद आ गया हाँ आनंद ही आ गया जगह ही वैसी है I think गौशाला is closed ये साइड से खुलता है राइट से ना दरवाजा बंद है ना अभी गाय इनकी गौशाला यहाँ पे है चलो अभी तो फिर आएंगे मैंने सोचा था आज आप लोग भी चारा दोगे गाय को चलो कोई बात नहीं एक बार फिर आ जाएंगे और कोई नहीं बट अच्छा बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा एक्सपेक्ट किया था आपने लंदन में ऐसा होता है वही ना लंदन में इतनी अच्छी जगह एक और इस्कॉन टेंपल है जो सेंट्रल लंदन में बट वो इन टर्म्स ऑफ स्पेस वहाँ नहीं है वहाँ पे इनकी शॉप है जहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप समझ लो खाना खाते हैं और मंदिर है अंदर बट दैट्स आल्सो क्वाइट बिग बट लोकेशन वाइज बिकॉज ये थोड़ा सा लंदन से ऊपर है टॉप पे है तो ओपन स्पेस है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू कम ऑन अ डे ऑफ आके आराम से बैठ सकते हैं हालांकि काफी लोग मेरे ख्याल से शाम को यू नो ऑफिस से आते हुए यहाँ के दर्शन करते हैं हाँ जो लोग यहाँ पर देखे मैंने सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं तो इससे पता लगता है कि कितना है धर्म के लिए इनको विच अल्टीमेट लीड्स देम टू गॉड मैंने भी देखा यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म के लोग थे सरदार थे सिख ये क्रिश्चियंस एंड दिस हिंदू कहीं कहीं से लोग आए हुए थे और सब के सब सर्विस में जुटे हुए हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट अपनी इंटरेस्ट के बगैर किसी भी सेवा में सारे जुटे हुए हैं कोई खाने में कोई वहाँ कोई सफाई कर रहा है सफाई दे रहे हैं अपना काम कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट जैसा कि मम्मी ने भी नो राइटली मम्मी पापा ने बोला मेरे को भी यही लगता है कि आई थिंक व्हेन यू सी ऑल दीज पीपल जो एफर्टलेसली यू नो काम कर रहे हैं सेल्फ सर्विस कर रहे हैं आई थिंक यही तो आई थिंक भगवान को पाने का एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता है इन माय ओपिनियन मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ बट आई थिंक सर्विस टू ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल से इज़ द अल्टीमेट वे यू नो जो लीड करता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको शो करना है फिज़िकली कि कुछ मैं यू नो दान कर रहा हूँ या मैं यहाँ आके फिज़िकली कुछ काम कर रहा हूँ इवन एज स्मॉल एज बीइंग नाइस टू समबडी You know, making somebody's day, किसी को खुशी पहुंचा के, I think that's also serving humanity. तो पापा जी चलिए फिर व्लॉग एंड कर देते हैं। हाँ बस चलिए। चलिए जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे। So nice of you कि आपने हमको यहाँ मौका दिया आने का। अरे आप तो humble हो गए यार। ये तो so nice of you। So nice of you यार। So nice of you। यहाँ कहाँ आ सकते थे? हम सोच भी नहीं सकते थे। बट इसको ना ये भी है ना कि यूजली जब लंदन में लोग आते हैं काफी इंडियंस भी आते हैं हम लोग सिर्फ वही लकीर का फकीर लंदन ब्रिज देखा वो सब नो डाउट ब्यूटीफुल है बट ये सब चीजें भी ये तो देखने लायक है ना मैंने पहले भी व्लॉग में बोला हुआ है कि आओगे लंदन अगर घूमने तो इस्कॉन तो जरूर आना गार्डन इसका देखने लायक था जो अंदर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है बहुत अच्छा बहुत ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल व्हेनेवर वी विजिट इस्कॉन टेंपल वी ऑलवेज लीव द प्लेस विद लाइक इट
with so much positive energy, like we leave everything negative behind us and we like charge our batteries here. And whenever we visit temples here or even in Poland, they are so similar and people are so lovely everywhere around the world. So it's not like this particular ISKCON is amazing, but even the one we visited in Poland was so good as well. Yeah. So it's just that I think ISKCON thing, that people are just so polite, coming to you with open heart and welcoming everyone. So guys, on that note, I hope ki aapko aaj ka vlog acha laga. Again, you know, it just feels wonderful to be visiting places like these. मुझे तो बड़ा मज़ा आता है. तो आज मज़े के चार चांद और लग गए क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में थे. तो चलिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए व्लॉग पे. इज़ गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिलो.